नमस्कार दोस्तों, डेली करंट जीके में आपका स्वागत है। आज का जो मुख्य जो विषय वस्तु है उसमें जो पहला टॉपिक है वो है APJ अब्दुल कलाम स्मारक है। वो उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और ये स्थान था पेई करम्बू, जो कि रामेश्वरम में पड़ता है और रामेश्वरम पड़ता है तमिलनाडु में। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने APJ अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है, इनके जो स्मारक है उसका आज उद्घाटन किया। और इसमें एक खास बात और थी, मोदी जी ने कलाम संदेश वाहिनी नामक एक बस शुरू की है, जो कि इसरो और DRDO द्वारा जो बनाई गई है। ये बस कलाम के बारे में, जीवनी के बारे में ये बताएगी। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं क्वेश्चन अब्दुल कलाम के बारे में और भी पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। अब्दुल कलाम जो उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को, और जो स्थान था वो था धनुषकोडी, रामेश्वरम में पड़ता है ये और तमिलनाडु, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015, यानी आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आज जो इनकी सेकेंड पुण्यतिथि थी, तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने जो APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन आज नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और स्थान था शिलोंग, मेघालय। इनका जो यहाँ पर ये लाइव स्पीच दे रहे थे उस दौरान इनके अटैक आया और इनकी मृत्यु हो गई। इनके अन्य नाम हैं, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और जनता के राष्ट्रपति के नाम से इनको जाना जाता है। ये इनका जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। 2002 से लेकर 2007 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था, यानी 25 जुलाई 2002 को इन्होंने शपथ ली थी और इनका कार्यकाल पूरा हुआ था 25 जुलाई 2007 को। और उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी तो प्रधानमंत्री थे और भैरों सिंह शेखावत है वो उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। और उसके अलावा इनसे जब नेक्स्ट राष्ट्रपति की बात आएगी तो वो थी प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इस प्रकार से आप जीके याद करोगे जो, तो आपके जो करंट है वो उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अब इनसे, इनके बारे में जो अब जो अब्दुल कलाम की इनकी प्रसिद्ध बुक्स हैं वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। APJ अब्दुल कलाम की जो प्रमुख बुक्स है एग्ज़ाम में अक्सर इन बुक्स के बारे में पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त बुक है विंग्स ऑफ फायर, एक दूसरी बुक है इग्नाइटेड माइंड्स, एक है इंडिया 2020 यानी ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, एक बुक्स का नाम है माई जर्नी और एक है द ल्यूमिनस स्पार्क्स। ये बुक्स है अक्सर एग्जाम में घूम फिर के इन्हीं में से पूछी जाती है अब्दुल कलाम के जब क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अभी लेटेस्ट है तो अब करंट आगे वाली जो आने वाली जो SSC वगैरह की एग्ज़ाम है उनमें इस प्रकार का क्वेश्चन जो अब्दुल कलाम को लेकर है वो पूछा जा सकता है, इसलिए आप अवेयर रहे, इन बुक्स को आपको याद करना ही है। उसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा जो इनकी उपलब्धि की बात कर लेते हैं, इनको भारत रत्न मिला था। वैसे तो इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण सब मिला था, लेकिन भारत रत्न जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1997 में इनको भारत रत्न मिला था। और इनका जो पोखरण परीक्षण हुआ था सेकेंड, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1998 में। तो ये चीज़ें थी अब्दुल कलाम के बारे में, कुछ अन्य चीज़ें जो आज मैंने बताई इनको भी ध्यान रखोगे। उसके अलावा आज सुभाष चंद्र गर्ग हैं, उनको ADB का वैकल्पिक गवर्नर नियुक्त किया गया। इस ADB की फुल फॉर्म है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो अपन जान लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, एशियाई विकास बैंक। ये इसकी फुल फॉर्म है तो अपने को याद रखनी है ये एशियाई विकास बैंक। और उसके अलावा इसमें एशियाई विकास बैंक में अपने को एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष है वो अपने को ध्यान रखना है, टेक हिको नाकाओ इसका नाम, अध्यक्ष का नाम है। और इसका एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो है फिलीपींस मनीला में, ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। और आज इसके अलावा नीतीश कुमार है वो 6वीं बार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी शपथ आज ग्रहण की थी सुबह 10 बजे। और उसके अलावा उप मुख्यमंत्री बनाया गया है सुशील कुमार मोदी, पहले जो सरकार थी वो गठबंधन था, वो JDU और RJD के साथ और कांग्रेस के साथ महागठबंधन वाली सरकार थी, लेकिन कुछ कारणों से विघटन हो गया और अब JDU ने, जो जनता दल है उसने BJP के साथ गठबंधन कर लिया और यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया था सुशील कुमार मोदी को, जो कि BJP के हैं। और राज्यपाल थे
यहाँ पर केसरी नाथ त्रिपाठी जिन्होंने इन दोनों को शपथ दिलाई थी। ठीक है, तो ये था आज का करंट। आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहिए ताकि जो एग्ज़ाम जब आए तो आप इनका एक बार रिवीजन कर लो, तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी और एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, राम राम सर।